समाजवादी पार्टी के गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष इंदर प्रधान ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें सुधीर तोमर, ब्रजपाल प्रधान, मोहम्मद उमर, श्याम सिंह भाटी, विनीत भाटी और औरंगजेब अली को उपाध्यक्ष व जगबीर नंबरदार को महासचिव और मुकेश सुशोदिया को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इस कमेटी में 6 उपाध्यक्ष, 15 सचिव व 27 सदस्य बनाए गए हैं। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता राजकुमार भाटी, पूर्व जिलाध्यक्ष फकीर चंद नागर और वीर सिंह यादव के अलावा सपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आज हमने अपनी जिला कार्यकारिणी की जो टीम बनाई थी उसको घोषित किया है और आगे चुनाव में हमने तैयारी किया। चुनाव में जाने की तैयारी ये है कि हम लोग बूथ तक जाएंगे और बूथ को मजबूत बनाने का काम करेंगे और आगामी जो विधानसभा चुनाव 2022 आ रहा है उसको जीतने का हम काम करेंगे। 2022 के चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या रणनीति रहेगी? हमारे मुद्दे ये रहेंगे, पहला मुद्दा हमारा विकास का रहेगा और दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि हमारी जब सरकार थी तो हमारी सरकार में जो बिजली के बिल आते थे लगभग 300 रुपये आते थे घर के बिल, और ट्वेल्व के जो बिल आते थे लगभग 900 रुपये आते थे, लेकिन आज योगी सरकार ने एक भी यूनिट बिजली पैदा नहीं की और बिजली के बिल लगभग 5 गुने बढ़ाए हैं। हमारा मेन मुद्दा जो रहेगा युवाओं का रोजगार रहेगा और दूसरा मुद्दा रहेगा महंगाई का रहेगा। नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, किस तरह से इस बार 2022 के चुनावों में समाजवादी पार्टी जा रही है? देखिए, यहाँ आपके सामने हमारे दो पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, आदरणीय फकीर चंद नागर जी, आदरणीय वीर सिंह यादव जी। दोनों ने पार्टी को बहुत मजबूत किया, पार्टी को आगे बढ़ाया, लेकिन अभी एक नौजवान, ऊर्जावान नौजवान को माननीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने अध्यक्ष बना के भेजा है। इससे जिले के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आई है, नया जोश आया है और इन्होंने जिस तरीके से एक सक्षम लोगों को लेकर, अच्छे अच्छे लोगों को लेकर अपनी कार्यकारिणी बनाई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी और इस बार हम जिले में 3 विधानसभा की सीटें जीतने जा रहे हैं। पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा और जो भी पार्टी के ऊपर से हाईकमान का आदेश होगा उसको अमल किया जाएगा। कुछ ये भी चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी और दूसरे पार्टी से तालमेल होगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब तो ऊपर से जिसको करेगा, 5-6 आदमियों ने अप्लाई कर रखा, जिसको टिकट मिलेगा। दावेदारी है, मैं अध्यक्ष था, फिर यादव जी अध्यक्ष थे, अब जो है इंदर प्रधान जी को बनाया, इन्होंने कार्यकारिणी आपको दी है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है जो जमीनी कार्यकर्ता होगा उसको जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ाएंगे, हवाई कोई नहीं आएगा। अभी सफी साहब जो बात पूछ रहे थे कि अभी पैरासूट वाले आएंगे, ऐसा कुछ कोई नहीं आएगा। जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो पार्टी का काम कर रहा है, उसको टिकट देगा और जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ पूरी पार्टी है। अब क्या